पंडित जी बताएंगे इस वर्ष देव दीपावली कब पड़ रही है और किससे मनाया जाता है और किस तरह से पूजा पाठ की जाए। सभी दर्शकों को आपके चैनल से मैं राधे राधे कहना चाहूंगा। सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ये जो कार्तिक का महीना है, अपने आप में ही भगवान नारायण का बड़ा ही प्रिय महीना है। भगवान नारायण के पूजन और उनकी उपासना के लिए ये विशेष रूप से महीना जाना जाता है। जो देव दीपावली है, जैसे हम देवोत्थान देवउठनी एकादशी मनाते हैं, देवउठनी एकादशी के बाद जो पूर्णिमा पड़ती है उस दिन जो है देव दीपावली मनाई जाती है। अर्थात देवताओं के उठने के बाद उनका मंगल अभिनंदन, मंगल स्वागत दीपों से सुंदर जो है सुसज्जित करके स्वागत किया जाता है। पूर्णिमा को इस बार जो स्थितियां बन रही है वो 27 तारीख को, विशेष करके ये जो देव दीपावली का पर्व है वो काशी में मनाया जाता है। तो 27 तारीख को ये पर्व काशी पंचांग के अनुसार से जो है, वाराणसी पंचांग के अनुसार से मनाया जाएगा। और पूर्णिमा को विशेष रूप से भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सबको ये संदेश देना चाहूंगा कि जो जीवन में मंगल चाहते हैं, जो जीवन में अपने कल्याण चाहते हैं, जो जीवन में उत्थान चाहते हैं, मानसिक शांति चाहते हैं, उन्हें निश्चित रूप से पूर्णिमा को, विशेष करके 27 तारीख देव दीपावली जो पड़ रही है, तो इसमें जो है भगवान नारायण का, सत्यनारायण का व्रत करना चाहिए और सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। इससे जीवन में खूब आनंद और मंगल होगा। काशी में देव दीपावली बड़ी ही भव्य तरीके से मनाई जाती है और जो दर्शन किया है तो बहुत अच्छी बात, वो कभी तो विस्मित हो ही नहीं सकता है। लेकिन मैंने तो काशी में रहकर अनवरत 10 वर्षों से उनको देखा और इस मंगल जो है कार्य को मैंने देखा किस तरह से काशी में बड़े ही धूमधाम से देव दीपावली मनाई जाती है।